दोस्तों सामने आप जो ये हाईवे देख रहे हैं, यह है वाराणसी लखनऊ हाईवे यानी NH 56। और यहाँ से दाहिने आप निकल जाएंगे त्रिलोचन महादेव मंदिर, त्रिलोचन महादेव बाजार का ये वाला देख सकते हैं बाईपास है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कई सारे कंपनियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, यानी कई सारे फैक्ट्रियाँ हैं। ये है एग्रो पार्क करखियाओं का, यहाँ जितने सलाई से कई सारी कंपनी आपको देखने मिलेंगी। अब चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं जहाँ पर अमूल प्लांट लग रहा है। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर अमूल प्लांट बन रहा है, और यहीं ठीक सामने देख सकते हैं ये है पैक हाउस। और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के किसानों को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए एक तरह से ये दोस्तों सीढ़ी है, और इससे काशी और पूर्वांचल किसानों के साथ ही बिहार के किसानों को सब्जी और फल को विदेश निर्यात करने में सहायता होगी। और इस प्रोजेक्ट का दोस्तों शिलान्यास साल 2021 में प्रधानमंत्री ने किया था, और इसका उद्घाटन 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री जी ने किया है। और यहां से देख सकते हैं जितनी भी ट्रकें हैं जो फल सब्जी लेके आएंगी, यहीं पर सामने शटर देख रहे हैं यहां पर लगेगी इस जगह पे, यहां से फिर उतरेगा माल। देख सकते हैं पूरी रेफ्रिजरेटेड है, पूरा एसी लगा हुआ है, और यहीं पर इसकी छटनी सफाई वफाई आदि होगी। पूरा ये पैक हाउस देख सकते हैं तैयार है, क्योंकि दोस्तों जो बगल में एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, इंटरनेशनल होने की वजह से विदेशों में डायरेक्ट माल जा सकता है यहाँ से। पहले ये काम जो होता था, मतलब पैकिंग छटाई का, ये लखनऊ में होता था, लेकिन अब बनारस में हो जाने के बाद पूर्वांचल वालों को काफ़ी राहत हो गई है। और बता दो दोस्तों कि इस प्रोजेक्ट की जो लागत है यानी पैक हाउस की, वो 15 करोड़ रुपये है। और सामने यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट ये काम कर लिया गया है। और दोस्तों सामने देख सकते हैं लिखा हुआ इंटीग्रेटेड पैक हाउस फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और यहाँ पर सब्जी और फल की धुलाई, ग्रेडिंग और क्वारंटाइन भी किया जा सकेगा। और ख़राब मौसम होने की वजह से फ्लाइट कैंसिल या डीले हुई तो यहाँ पर आसानी से प्रिजर्व किया जा सकता है। और यहाँ का पैक हाउस यूरोप और खाड़ी देश के मानकों के अनुरूप बनाया गया है। और दोस्तों बता दूं आपको कि बनारस की सब्जी और फलों की डिमांड धीरे धीरे विदेशों में होने लगी है, और साल 2019 में लंदन ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में बनारसी लंगड़ा आम सहित सभी तरह के फल सब्जी और अनाजों का निर्यात किया गया था। इसके अलावा गल्फ देशों की हाइपरमार्केट के लिए भिंडी, कुंदरू, लीची भी विदेश में जा चुकी है। इसके अलावा हरी मिर्च और चंदौली का एक जनपद एक उत्पाद के रूप में घोषित काला चावल भी ऑस्ट्रेलिया और गल्फ के कई देशों में निर्यात हो चुका है। और ये जो दोस्तों बनाया गया है वन साइडर बनाया गया, यानी एक साइड से ट्रक यहाँ पे एंटर करेंगी, अब पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद एक तरीके से यहाँ से ट्रक निकलेगी। यहाँ देखिए सामने लिखा हुआ स्टाफ एंट्री ऑफिस गुड्स अराइवल, तो इसके बन जाने के बाद दोस्तों जो पीएम मोदी का सपना था यानी किसान की आय की वृद्धि करना, वो पूरा होगा, यानी दुगनी आय हो सकती है उससे। और दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगे जरूर बताएगा मुझे। अब चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अमूल प्लांट का कितना काम हुआ है। ठीक सामने देखिए इसके है ये काम हो रहा है यहाँ पर। और बता दूँ बहुत लोग पूछ रहे हैं कि वाराणसी में विकास क्या हुआ है, तो और भी कई सारे यहाँ पर कंपनियाँ अब आने वाली है, जैसे भेल का जो एक्सटेंशन वाला जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर होने वाला है, यानी उसकी भी इकाई और लगने वाली है। चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं अमूल प्लांट का कितना स्थिति यहाँ पर हुआ है काम। दोस्तों अभी टाइम डेट की बात करें तो अभी 4:56 यानी लगभग 5 बज रहा है, दिन बुधवार और 19 अप्रैल है। और सामने देख सकते हैं यहाँ पर बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है अमूल प्लांट का, और 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ पर इस अमूल प्लांट का शिलान्यास किया गया था, यानी करखियाओं में बनास काशी संकुल। और देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला चीज़ क्या है पता नहीं मुझे, ये आकर रखा गया यहाँ पर। और सामने देखिए यहाँ से बाईपास सीधे फूलपुर बाजार पाएँ, देख सकते हैं यहाँ पर हजारों कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं। और दोस्तों बता दूँ इस प्रोजेक्ट की जो कार्यदायी संस्था है वो श्री गणेश कॉरपोरेशन यानी नवसारी गुजरात का है, और अमूल प्लांट भी गुजरात का है। और जो ये प्लांट बन रहा है दोस्तों, यह वाराणसी के मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर
वाराणसी जौनपुर नेशनल हाईवे पर ये बन रहा है लगभग 30 एकड़ में और इसकी लागत 475 करोड़ रुपये है। यहाँ देखिए कितना काम हुआ है। ये पहले प्रोजेक्ट बन जाएंगे ले लीजिए आप। ये देखिए इतना यहाँ का काम हुआ है। ये एंट्री गेट अंदर जाने वैसे अलाउ है नहीं, दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं मैक्सिमम यानी सेकंड फ्लोर का काम भी एकदम अंतिम चरण में है। और यहाँ पे देखिए ये जो बना है यहाँ पर ट्रकें लग रहा है लगेंगे इस साइड। यहाँ पर देखिए मशीन द्वारा ढलाई का काम चल रहा है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के कम्प्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर लाखों किसानों को रोज़गार स्वरोजगार उपलब्ध होंगे। और इस अमूल प्लांट बनने से यहाँ पर जो ज़मीनों का रेट भी है जो 6 लाख रुपये बीस ज़मीन थे वो 12 लाख रुपये बीस में हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर आइसक्रीम पनीर का उत्पादन होगा और इसके अलावा अमूल के सभी बेकरी उत्पाद के साथ ही मक्खन दही लस्सी छाछ घी मिल्क पाउडर मिठाई आदि का भी निर्माण होगा। जैसे तो ट्रकें आ जा रही हैं यहाँ पर लिखा है बनास डेयरी अमूल। श्री गणेश कॉरपोरेशन। फिलहाल दोस्तों इस समय यहाँ पर काम बहुत तेज़ चल रहा है और जो लक्ष्य है कंप्लीट करने का वह दिसंबर 2023। देख सकते हैं यहाँ पर मशीनें दिन रात गरज रही हैं और काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। देखिए यहाँ पर सामने एक प्लांट है, यहाँ सीमेंट बालू मिलाकर आगे भेजा जा रहा है। ये कंक्रीट मिक्सर मशीन है। और दोस्तों आपको बता दूँ कि इस प्लांट में जो नींव रखी गई थी उस दौरान कहा गया था कि इसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा और पहले चरण में 5 लाख लीटर पैकेट बंद दूध का उत्पादन होगा। इसके बाद यहाँ पर इसका विस्तार कर इसे 10 लाख लीटर पैकेट बंद दूध तक किया जाएगा। इसे कंप्लीट करने का जो समय दिया गया वो 18 माह है और इससे लगभग 1.5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से लगभग 500 लोगों को इस फैक्ट्री में नौकरी मिलेगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं इसी तरह वीडियो लाता रहता हूँ। और अगर आप हमें UPI साझा करना चाहते हैं तो anishwarma555@UPI साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दिखाता पहले कहाँ पर, फिर एंड करूँगा वीडियो का। सामने दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अमूल प्लांट का काम चल रहा है और इसी ठीक बगल में देखें यहाँ पर लेबर कॉलोनी बनाई गई है, वहाँ पर रह रहे श्रम योगियों के रहने के लिए। देखिए यह है पूरी कॉलोनी का दृश्य। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। लाइट टेक ऑफ हो गया।